हेलो फ्रेंड्स सोनीज़ विज़न लीगल के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे डिविजनल एप्लीकेशन अंडर पेटेंट लॉ के बारे में फ्रेंड्स इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है तो पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट right है जो किसी इन्वेंटर को दिया जाता है उसकी इन्वेंशन के लिए इंडिया में पेटेंट एक्ट 1979 के अंडर इन्वेंटर को पेटेंट ग्रांट की जाती है ये राइट्स इन्वेंटर को एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड हैं जहां पे वो किसी और को अपने इन्वेंशन का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करने से एक्सक्लूड कर सकता है बट इस राइट का यूज सिर्फ 20 इयर्स के लिए ही किया जा सकता है इवन दो इन्वेंशन पे पेटेंट लेना मैंडेटरी नहीं है बट अगर किसी और ने उसी इन्वेंशन के आइडिया पे अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो वो इन्वेंटर कोई रेमेडी क्लेम नहीं कर पाएगा बट इन्वेंटर को पेटेंट रजिस्टर करवाने के लिए पेटेंट ऑफिस के थ्रू चेकिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इन्वेंशन को इवेलुएट करने का मेन क्राइटेरिया है टू चेक इट्स नोवेल्टी किसी इन्वेंटर को पेटेंट ग्रांट करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उस इन्वेंशन में कितनी न्यूनेस एंड यूजेस हैं और क्या वो इन्वेंटर की खुद की डिस्कवरी है या नहीं अगर ऑलरेडी हो, तो लॉ यूज रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इन्वेंटिव स्टेप पेटेंट ग्रांट करने से पहले यह देखा जाता है कि इन्वेंशन में कोई टेक्निकल एडवांसमेंट है या नहीं या फिर उस इन्वेंशन का कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है या नहीं थर्ड क्राइटेरिया आता है ऑफ नॉन ऑब्वियसनेस जहां पे ये देखा जाता है कि इन्वेंशन प्रीवियसली कितना नोन था या वो प्रायर आर्ट के स्कोप एंड कंटेंट से कितना मैच करता है ये इवेल्युएशन का ग्राउंड एक सब्जेक्टिव ग्राउंड है एंड केस टू केस पे डिपेंड करता है फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर हैज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब कि इन्वेंशन को इंडस्ट्रियल यूज में लाया जा सकता है या नहीं अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट या product का आउटकम इंडस्ट्रियल यूज में लिया जा सकता है तभी वो पेटेंटेबल है तो दोस्तों अभी हमने देखा कि इन्वेंशन को पेटेंटेबल बनाने के लिए क्या नेसेसरी क्राइटेरियाज हैं अब हम बात करते हैं डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन के बारे में डिविजनल पेटेंट तब फाइल किया जाता है जब हम पेटेंट एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं बट अगर आपके पेटेंट में मल्टीपल इन्वेंशंस मेंशन हैं तो आपको डिविजनल एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ेगा डिविजनल एप्लीकेशन इंश्योर करता है कि इन्वेंटर का हर एक इन्वेंशन इंडिविजुअली प्रोटेक्टेड रहे ये आगे जाके पेटेंट रिलेटेड ऑब्जेक्शंस को बेटर वे में रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है डिविजनल एप्लीकेशन से इन्वेंटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है जब हम एक सिंगल एप्लीकेशन फाइल करते हैं अपने इन इन्वेंशंस के लिए तब हमारे एप्लीकेशंस में सॉलिडारिटी की कमी होती है बट हम जब अपने सेपरेट इन्वेंशंस के लिए डिविज़नल एप्लीकेशंस फ़ाइल करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन पेरेंट एप्लीकेशन बन जाता है और डिविज़नल एप्लीकेशन को भी पेरेंट एप्लीकेशन के टाइम पे ही रजिस्टर किया जाता है इससे वो इन्वेंशंस पेरेंट इन्वेंशन जितना प्रायोरिटी क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 16 ऑफ द पेटेंट एक्ट में डिवीज़न ऑफ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए प्रोविजन दिया गया है यह प्रोविजन मेंशन करता है कि अगर हमें ऐसे एडिशनल क्लेम एप्लीकेशन फाइल करने हैं तो हमें इसके बारे में फर्स्ट एप्लीकेशन या प्रोविजनल एप्लीकेशन में स्पेसिफाई करना होगा फर्दर इस एडिशनल एप्लीकेशन में प्रोविजनल एप्लीकेशन में दिए हुए सारे डिटेल्स प्रेजेंट होने चाहिए बट दोस्तों हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि क्लेम प्रोविजनल एप्लीकेशन में हो या एडिशनल एप्लीकेशन में दोनों के इन्वेंशन पेटेंटेबल होने के क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए अब दोस्तों हम देखेंगे कि हम डिविजनल एप्लीकेशन किस कंडीशन में फाइल कर सकते हैं तो यह एप्लीकेशन कैंडिडेट या तो अपनी खुद की विल से फाइल कर सकते हैं या फिर कंट्रोलर के रेस किए हुए किसी ऑब्जेक्शन को डील करने के लिए फाइल किया जा सकता है फर्दर अगर पेटेंट एप्लीकेशन और डिविजनल एप्लीकेशन के क्लेम में कोई ओवरलैपिंग हुई तो कंट्रोलर एप्लीकेंट से डिविजनल एप्लीकेशन में अमेंडमेंट सीख करता है ताकि ऐसी कोई ओवरलैपिंग ना हो तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि हम ये डिविजनल पेटेंट एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन पेटेंट ग्रांट होने से पहले कभी भी फाइल कर सकते हैं आफ्टर सच फाइलिंग पेटेंट होल्डर को उस डिविजनल एप्लीकेशन के अंडर इन्वेंशन पे भी 20 ईयर्स का एक्सक्लूसिव राइट right मिलता है तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको हमारी इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sonyvision.in को जिसमें हम ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिटेल में ब्लॉग लिखते हैं तो आप उन ब्लॉग्स को पढ़ के इन चीजों के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना आपके जो डाउट्स हैं या आपको इस टॉपिक के बारे में और कुछ कहना या पूछना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हमारी एक्सपर्ट की टीम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेगी जाने से पहले हमारे चैनल सोनीज विजन लीगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी कई सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ धन्यवाद